सुना है सिंडिकेट बैंक एमएसएमई स्कीम के अंतर्गत कम ब्याज पर आसान किस्तों में बिना किसी झंझट के लोन उपलब्ध करा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। आज और अभी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए नजदीकी सिंडिकेट बैंक शाखा में संपर्क करें या ऑनलाइन अप्लाई करें। शर्तें लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के मद्देनजर यूरोप से अमेरिका आने वाले यात्रियों पर अगले 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी है, लेकिन इस रोक में ब्रिटेन को छूट दी गई है। गौरतलब है कि कोरोना को लेकर विश्व भर में एहतियात बरती जा रही है। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कोरोना को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और कहा कि हमारा देश सामान की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें हर संभव सहायता की बात कही। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने की घोषणा के एक दिन बाद सऊदी अरब ने कहा है कि वह दशक में पहली बार तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इससे पहले अरामको ने कहा था कि वह अप्रैल में रिकॉर्ड 1.23 करोड़ बैरल प्रतिदिन उत्पादन करेगा। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, दिल्ली मामले को लेकर आज राज्यसभा में चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि लोग अभी भी न्याय के इंतजार में हैं। जब दिल्ली में मामला चल रहा था तब केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में व्यस्त थे। और बड़ी खबरों में पांचवे नंबर पर है, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो ताहिर हुसैन, कपिल मिश्रा, परवेज वर्मा, अमित शाह और अमूल्य पटनायक का नार्को टेस्ट पब्लिक के सामने करवाए। सच सबके सामने आ जाएगा कि दिल्ली मामले में किसका हाथ है। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, लखनऊ में सीएए मामले को लेकर पोस्टर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का समर्थन करता हो। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार केवल वही कर सकती है जिसकी कानून इजाजत दे। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने मुंबई में उन्हें याद किया। वहीं लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी व अन्य नेताओं ने संसद परिसर में उन्हें याद किया। आपको बता दें कि 12 मार्च को हिंदू पंचांग के तहत शिवाजी जयंती मनाई जाती है। डीयू प्रशासन की तरफ से अकादमिक सत्र 2020-21 की दाखिला प्रक्रिया तेज हो गई है, जहां दाखिला समिति का मानना है कि दाखिला प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाए। इसके साथ ही समिति ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद छात्रों को कट ऑफ के बाद प्रवेश लेने व फीस जमा कराने के लिए कॉलेज के चक्कर न काटना पड़े। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर होने वाले रैंकिंग में अपनी एक और उपलब्धि दर्ज कराई है। आपको बता दें कि अमौसी स्थित यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 50 लाख से 1.5 करोड़ यात्री क्षमता की श्रेणी में बेहतर कस्टमर सर्विस के मामले में एशिया में पहला स्थान हासिल किया है। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, सेंसेक्स धराम से गिर चुका है, WHO ने कोरोना को महामारी करार दिया है, PR स्टंट में कुशल प्रधानमंत्री जी को अगर चुनी हुई सरकार गिराने से फुर्सत मिल गई हो तो देश के लिए जरूरी विषय पर भी बोल दें। और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, कांग्रेस में राज्यसभा सीटों को लेकर मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नेतृत्व को धमकी दी है कि अगर उनको या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है तो उनके विधायक किसी अन्य उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं है।
और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, बिहार में राज्यसभा के लिए महागठबंधन से आरजेडी ने अपने दोनों प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई है। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने एक चिट्ठी के जरिए सवाल किया तो उन्होंने चिट्ठी को ही फर्जी बता दिया। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने पर उन्हें बधाई दी है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह कामना करते हैं कि सिंधिया बीजेपी में सुरक्षित रहें। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, कोरोना के कारण सिर्फ 10 दिनों के अंदर आगरा के पर्यटन उद्योग को 25 करोड़ रुपए का सीधा घाटा हुआ है। आपको बता दें कि ताजमहल पर टिकट बिक्री, होटल की बुकिंग कैंसिल होने से, रेस्टोरेंट और हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम से इस घाटे का आकलन किया गया है। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, रेडमी ने आज भारत में रेडमी नोट 9 सीरीज का नया स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स लॉन्च किया है। इसकी खासियत यह है कि रेडमी नोट प्रो के लिए कंपनी ने इसरो के साथ साझेदारी की है, जिससे ये फोन भारतीय नेविगेशन ऐप नव आईसी को सपोर्ट करेगा। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, एक अध्ययन के अनुसार ध्रुवीय पानी में रहने वाली व्हेल अपने भोजन और अपनी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए निम्न आकांक्षाओं की ओर पलायन करती है, क्योंकि ध्रुवीय इलाकों में ज्यादा लंबे समय तक रहने से उनका स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है, साथ ही उन्हें भोजन भी आसानी से नहीं मिल पाता। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला एकल मुकाबले में अमेरिका की बेई वेन झांग को 21-14, 21-17 से हराकर दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मुकाबला 42 मिनट तक चला। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की फिल्म मिस्टर लेले से अपनी हाथ पीछे खींचने के बाद शशांक खेतान ने अपनी अगली फिल्म के लिए बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को चुना है। गौरतलब है कि यह पहला मौका है जब कार्तिक आर्यन और शशांक खेतान एक साथ किसी फिल्म में काम करेंगे। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की मूवी 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों के भीतर ही करीब 84 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस किया है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।